ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सभी विधानसभा प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वजीरपुर विधानसभा से उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्र नाथ पाल भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और वजीरपुर की जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। वो यहाँ के पूर्व विधायक और निगम पार्षद रह चुके हैं और इस क्षेत्र की बारीकियों को अच्छी तरह समझते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है और वो जनता से वोट के रूप में अपना हक मांगने आए हैं। मैं आज आपके बीच में आया हूँ, पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र के अंदर सेवा करने का अवसर दिया है। मैं आज वोट मांगने के लिए जा रहा हूँ। मैं ये वाली बात नहीं कहता आपकी यारों माफ करना, मैं नशे में था। मैं आप कहने आया हूँ कि मैंने क्षेत्र के अंदर काम किया है। मैं अपना हक मांगने के लिए आया हूँ, मैं एक वोट मांगने के लिए आया हूँ। डॉक्टर महेंद्र नागपाल की रैलियों में तमाम सीनियर बीजेपी नेता जुट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी उनकी रैली का हिस्सा बने। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी महेंद्र नागपाल के लिए वोट अपील की। तो वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली में काम कोई करता है और टोपी कोई और पहनता है। ऑपरेशन हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट ऑपरेटिव हॉस्पिटलाइजेशन, सारे टेस्ट, दवाइयां और घर पे जाने के 300 रुपया, अच्छा किया या बुरा किया? मगर आप लोग अभी ताली गलत बचाए वजीरपुर वालों, आपके लिए नहीं है क्योंकि ये मोदी जी की योजना केजरीवाल जी ने दिल्ली में लागू ही नहीं की। उनको डर है कि योजना आई तो दिल्ली का गरीब मोदी जी के साथ जुड़ जाएगा। काम हमने कितने करके दिखाए दिल्ली के लिए। दिल्ली की सरकार हमारी नहीं है, दिल्ली सरकार की दो विशेषताएं हैं, काम करे कोई, टोपी पहने कोई। बेटियों के पापा का मजाक मत उड़ाओ भैया, क्योंकि बेटियों की बद्दुआ लगेगी तो ये चुनाव तो हारोगे ही, आगे कभी भी समाज में खड़ा नहीं हो पाओगे। डॉक्टर महेंद्र नागपाल विद्यार्थी जीवन से राजनीति में सक्रिय हैं। उनका दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में जितना काम किया है उसके मुकाबले आप विधायक वजीरपुर की जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब देखना ये होगा कि महेंद्र नागपाल को मिल रहा प्यार और समर्थन 8 फरवरी को क्या रंग लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।